एक मिनट मेरे वीर सारे मेरी गल बहुत ध्यान ना सुनियो। सब तो पहला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसवें पातशाह का हुक्म है जदों सारे हिले मुक जाण तां तलवार दे मुठ दे उत्ते हाथ चले जाना चाहीदा। और अगर मेरे वीर बलवंत सिंह राजोवाणे नूं फांसी हुंदी आ तां हिंदुस्तान नहीं खालिस्तान होएगा। बोलो सो निहाल खालिस्तान। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दस को समा तो बहुत ही थोड़ा है, पर दस एक दो बेनतियां करनिया चाहता। अज तो पहला जिन्हें भी बुलारे आए सब ने पूरे जोश के नाल नारे लाए जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद भाई बलवंत सिंह जिंदाबाद। पर दस इस तो हट के कुछ बेनती करनी चाहता कि 31 तरीक तो पहला साढ़े खालसा पंथ की की रणनीति है। इतों असी सिख जगत ने अकाल तख्त साहब के सिंह साहबानों पंजाब की सरकार हिंदुस्तान की सरकार पंजाब वास सिख वासियों की मैसेज देना है। सानू 31 तरीक तो पहला की करना चाहिए दस ये बेनती करता। जिन्हें भी गुरसिख इतने बैठे हो अपने परिवारों पिछे टैलीफोन राही मैसेज दो, उत्थे चक्के जाम कर दो, शांतमई तरीके दे नाल पंजाब बंद कर दो। देखते हैं किधर दी आउणगे। इस जे पूरा सरकार पूरा पंजाब एक मुठ होकर सड़कों से निकल आवे किसी देश की हुकूमत ताकत नहीं है कि बलवंत सिंह नूं फांसी दे सके। पर 31 तरीक तो बाद तुसी 31 तरीक तो बाद खालसा वखरा राह वक्री रणनीति रणनीति अपनाएगा। पर 31 तरीक तो पहला सिख पंथ नूं जरूरी है कि घर तो बाहर आवो तो इसका प्रोटेस्ट करो, उसकी आजादी सिख सिखा की गुलामी गलों लाओ। इस तो पहला कि होर कोई घटना वापर जाए हिंदुस्तान सरकार पंजाब सरकार चकन्ने करो कि इस जिंदाबाद भाई बलवंत सिंह जिंदाबाद। आप सारिया संगतों का धन्यवाद। मैं हुणे हुणे एक मैसेज मिलिया है कि जरोने की प्रबंधक कमेटी भी अपने नाल बहुत भारी कठवे संगत लै के पहुँचे हैं, उन्हों का धन्यवाद। होर भी जिहड़े गुरु घरां तों प्रबंधक टीमां संगत लै के पहुँचे हैं स्टेज वालों आप सब का विशेष तौर पर धन्यवाद। मैं एक बार बेनती करांगा जिन्हें भी मेरे वीर बुलारे मगर खलोते ने, जे अगर अज वो सच्चे दिलों राजोवाणा साहब नाल प्यार करते हैं प्लीज़ एक बार जाके कठ विच बह जाओ। तो जिहड़े बुलारे रह गए ने एक एक करके स्टेज पर आ जाओ। ये अज पता लग जाएगा कि जे मेरे वीर राजोवाणा साहब न सच्चे दिलों प्यार करते हैं एक बार जाके संगत प्लीज़ बैठो। ये तो आपे वेख लेना कि प्यार करता, क्योंकि मैं पहला बहुत स्पीचा बेनतियां कर चुका सा। हाथ जोड़ के बेनती है जेड़ा जेड़ा मेरा वीर सच्चे दिलों राजोवाणा साहब की कुरबानी को प्यार करता है वह सिक्योरिटी वालों तो दो छड के सारे मेरे वीर बह जान। ये तो पता लग जाएगा कि असी राजोवाणा साहब न सच्चे दिलों प्यार करते हाँ। तो मैं नवे बुलारियां नूं बेनती करता हाँ कि वह प्लीज़ ना ना लिख के देन कला कला मेरा वीर स्टेज पर आके बोले। आप सारिया संगतों का एक बार फिर तो धन्यवाद। हुण मैं सरदार धर्मपाल सिंह जी नूं कहांगा एक मिनट वास्ते आके जिहड़े साडे कोल स्पैनिश आए ने उन्होंने सिर्फ ना ही बोलो तो स्पैनिश एक एक मिनट वास्ते टाइम देवांगे। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सारे वीरां दा धन्नवाद, उन्होंने राजोवाणा साहब नाल प्यार प्रगटाया। वाहेगुरु जी का खालसा।
solidaridad con esta persona, mi deseo de que la ejecución finalmente no se lleve a cabo y que no solamente no se lleve a cabo, sino que sea puesto en libertad. Vale, gracias. ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਆਣੇ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਫੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੀ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਦਲਾ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਟਾਮੋਸ ਤੋਸ ਆਕੀ ਰੈਉਨੀਦੋਸ ਇਨ ਲਾ ਪਲਾਸਾ ਕਾਤਾਲੂਨਿਆ ਪਾਰਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟਾਰ ਨੁਸਟਰੋਸ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਕੋਂਟਰਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਇਸ ਪਰਸਨਲ ਕਿ ਹਾ ਇਸਟਾਦੋ 17 ਆਨੋਸ en prisión y aún así le dicen pena de muerte. Así este ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਪਲਾਸਾ ਕਾਤਾਲੂਨੀਆ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਾਰੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਾਂਸੀ? ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਉਹ ਦੱਸੂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਸਾ ਕਤਲੋਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਲਵਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲਾਲਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਜਵਾਣਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਰਾਜੂ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ, ਆਓ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ, ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਰਾਜੂ ਵਾਲਾ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤਾ ਕਲੋਮਾ ਦੀ ਫਰਨੇਸ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ
रद्द किया जाए। ये बहुत सियाने सियाने लोग हैं, पर मेरा विचार है कि उस दिन तू पहला ही सारा पंजाब सारी सिख कौम पटियाले जाके उत्थे बैठ जाए कि जे उसनू फांसी देनी है तो सानू सारे फांसी दी जाए। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। साढ़े को वीर हैं जोरत तो जोरत की मार तो आओ इन तो पुछते हैं भाई जे वीर फांसी दी जाती है तो वह तो अगला कौम की डिसीजन लेना चाहिए। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। साडा असी जे बलवंत सिंह राजोवाल बचा लेंदे हाँ तो यह मतलब असी सिख कौम बचा लेंदे हाँ। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। भाई साहब नूं बचाण लई सानूं की करना चाहिए? ऐसी सारी कौम ने सारे पंजाब ने एक निशान साहब थले कट्ठे होने चाहिए। जिन्नियां भी शहीदियां पहले भी हो चुकी ऐसी रोल दितियां अजे तक ऐसी एक निशान साहब थले कट्ठे नहीं होए। बोले सोनिया अकाल नाले कट लाना। खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। मैं सारे सिख संत संगत नू गल बेनती करदा कि अपने एक झंडे थले कट्ठे होवे जिवें अज होए आ सारे इदां ही हमेशा ही कट्ठे रहो। हर सिख चैनल की हमेशा मदद करो जिसने जिहड़ा सारे अपना दुनिया नू दिखा रहे अपने और भाई साहब जे जो कह रहे हैं उन्हां दी हैल्प करो उन्हें पैसे दे वाजों सारे मुल्कां जिन्ने भी अपनी दुनिया च और उन्हां दी भैण जी नू पटियाले जिथे रहिंदे आ उन्हां दे अकाउंट विच पैसे पाओ मदद करो और सारे पैसे मदद करो सिख खालसे और सिख चैनल वालों की मदद करो पैसों वजों। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी की फतेह। भाई साहब आपका शुभ नाम? सुखजिंदर सिंह जी। ये सन सुखजिंदर सिंह जी आओ इन्हें पुछते हैं भाई साहब की फांसी बचाने से आपू की आपू की उपराला करना चाहिए? सारे वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सानू सारे रल मिल के करना चाहिए कि असी उन्हें बचा सकी ही साड़ी शान वधेगी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। हाँ जी हुण साडे नाल गुरद्वारा सेंटर के सरदार कुलदीप सिंह जी पड्डा खड़े हैं आओ इन्हें विचार लैने सानू सिख पंथ नू भाई साहब नू बचाने लई की विचार करनी चाहिए संगत नू कट्ठे होके। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सब तो पहला धन्नवादी हाँ सिख चैनल दे जिन्होंने आ के सारा इत्थे प्रोग्राम की कवरिंग की ते जो भी इंडिया के कोने कोने ते हो रहा इस टाइम दिखा रहा सिख सिर्फ तो सिर्फ एक सिख चैनल है कहण नू साडे बहुत ही होर भी धार्मिक चैनल हैगे आ पर सिख चैनल वर्गा कोई भी चैनल नहीं जिहड़ा हर थां साडे दुख सुख दे टाइम पहुँचदा है। तो भाई साहब नू बचाउण लई जिस तरह का अज अहीं सारियां संगतां ने स्पेन दियां ने कोने कोने तों आ के इकट्ठ कीता इसे ही तरह सारी कौम एक मुठ हो के एक जुट हो के भाई साहब नू बचाउण लई हर तरह का जिन्ना भी योगदान पा सकदी आ इंडिया तो यूरोप तो सारे जाने अपना तालमेल मिला के बना के रखन जिस तरह हुण इत्थे संगतां ने अपना इकट्ठ दिखा लिया इसे तरह ही अहीं एकजुट रहांगे। तो भाई साहब नू कोई भी के गौरमेंट की जरूरत नहीं गी कि उन्होंने फांसी के फंदे तक लै जाण असीं भाई साहब नू हर हालत बचाउणा आ फांसी के फट्टे तो लाउणा आ। इन्ना ही बोलदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई बलवंत सिंह जी राजवाड़ा नू का तो फांसी दित्ती जांदी जो 17 साल जेल विच रहे का तो फांसी दित्ती जांदी आ। वाहिगुरू जी का खालसा जी की फतेह। तुम देखा कि बच्चे भी क्वेश्चन कर रहे हैं पे जिस बंदे 17 साल पहला ही जेल में हो गए हैं उसको क्यों फांसी दी जा रही है? असी सिख पौन के लीडर तो पूछते हैं कि इन बच्चों के ते संगत के क्वेश्चन का जवाब देन। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। आओ असी भाई साहब से पूछते हैं भाई बलवंत सिंह राजूवाला एक ही तो बाकी सिंघां लई भी सानू की करना चाहिए? वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। देख के हुणे महसूस होया कि बच्चे ने किहड़े दिल नाल किहड़े विराग नाल गल की सुनिया नहीं जाता भी भाई साहब भाई बलवंत सिंह राजोवाल नूं क्यों फांसी दी जाती है? जिहड़ा काम कि गौरमेंट ने करना ही उन्हें कहा भी जिहड़ा काम मैं सिखां दी जिन्नियां धीआं भैणां की इज्जत मैं देख नहीं सकता इस करके इन्ना इन्ना इन्नी बेइज्जत किया गया सिखां नूं इन्नी उन्हां दी मिट्टी रोली गई है पर वह कहना मैं देखता जिहड़ी जिहड़ा कि गौरमेंट नूं काम करना चाहिए सी वह भाई साहब भाई बलवंत सिंह राजोवाला ने किया है पर उन्हें जो भी किया है ठीक किया है। वह 17 साल जेल में रह के भी उन्हें ऐसी जिंदगी बिताई है कि जेल में हनेरे घुप्प में उन्हें सारी दुनिया की जी अपनी आत्मा मरी हुई सी
उन्हें मरी हुई आत्मा वह कि जगया तुम अपने आप देख सकते हो। सुनया ही ना भी सिख लखा करोड़ों चो वखरे ही चमकता है, पर अज वह दिन आ गया है। हुण सारे पासे दुनिया एक पासे सिंह कल्ला ही बुकदा पिया है, पर वह कहता पा मैं कोई गुनाह नहीं किया है। पर इस चढ़ती कला वास्ते सानू चाहिए है, सारे सानू चाहिए तन वालों धन वालों भी मदद करनी चाहिए है। तो सानू सारे गुरु घर वालों भाई साहब भाई बलवंत सिंह का सिख चैनल वाले का धन दे भी सानू हरेक गुरुद्वारे की कमेटी का फर्ज बनता है भी दो दो पांच पांच दस जिनी भी किसी की हैसियत है सानू पैसे इकट्ठे करके उन्होंने भेजने चाहिए ने, क्योंकि असं इंडिया से जा नहीं सकते है जिन्ना कि अपना अपना दुख दर्द इतने वटा सकते हैं। भाई साहब जी मैं हाथ जोड़ के बेनती करना वा भी अपने सारे अपनी अपने अंदर झाती मारो भी जी असी सिखां दे पुत्र हाँ ना तो सानू सिख बनना चाहिए तो सच्चा न्याय करना चाहिए। एक साढ़े व्डे मोढ़ी ने उन्होंने चाहिए भी साढ़े व्डे व्डे मोढ़ी उन्होंने सही न्याय लेना चाहिए, क्योंकि एक दिन आप जाना है रब को रब न जवाब देना भी मैं की किया की नहीं किया। इतों कहता हो मैं भाई साहब भाई राजोवाना सल्यूट करना वा शाबा देना शेर नहीं है बब्बर शेर ने। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।